नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या प्रोसेस करना है ताकि आप अपने प्रत्येक वीडियोस को मोनेटाइज कर सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप जो है एलिजिबल हो पाते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन उसमें कई सारे लोग होते हैं जो कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनके चलते उनका जो CTR है वो हाई हो जाता है और उसके चलते उनका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट होता है वो डिसेबल हो जाता है। और जब गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाएगा तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी उसका कोई असर नहीं देखेगा और उसका कुछ फायदा नहीं होगा, फिर आपको यूट्यूब छोड़ना पड़ सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया है, 4000 घंटे पूरा कर लिया है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन अप्लाई करने के बाद जब आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है और जब यूट्यूब अप्रूव कर देता है आपके पार्टनर प्रोग्राम के लिए, तो उसके बाद आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, किस तरीके से अपने वीडियोज में एड्स लगाने हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको मैं बताने वाला हूं गूगल एडसेंस के माध्यम से कि आप किस तरीके से एड लगाएंगे ताकि आपका जो CTR हो वो हाई ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि CTR जब हाई होने लगता है तो गूगल एडसेंस जो है डिसेबल होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और ऐसी घटनाएं जो है कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भी साथ हो चुके हैं जिनके कि लाखों सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी उनका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाता है, फिर जो है उनको लाखों सब्सक्राइबर्स को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उस पर पैसे नहीं आते हैं। जब गूगल एडसेंस आपका डिसेबल हो जाता है तो फिर आप जो है अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको वहीं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सावधानी बरतनी है कि आने वाले समय में आपको भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। खास करके उन लोगों के लिए होता है जिनके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं और 4000 घंटा जस्ट पूरा हुए हैं और उसके बाद से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिए हैं तो उनके चैनल पे व्यूअर्स नहीं होते हैं। जब चैनल पर व्यूअर्स नहीं होते हैं तो CTR जो है हाई होने का ज्यादा चांसेस होता है, जिसके चलते हो सकता है कि उनके चैनल को डिसेबल कर दिया जाए। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं किस तरीके से अपने चैनल को जो है किसी पर्टिकुलर वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हैं, प्लस आप गूगल एडसेंस में कैसे CTRs को चेंज करें और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपका CTR जो हो वो हाई ना हो और फिर आपका गूगल एडसेंस जो अकाउंट हो वो डिसेबल ना हो। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आप किस तरीके से अपने वीडियोस में एड्स लगाते हैं और आपको गूगल एडसेंस में CTR को कैसे चेक करना है ताकि आपका CTR काफ़ी ज़्यादा हाई ना हो जाए, जिसके चलते आपका गूगल एडसेंस अकाउंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं एक एक स्टेप करके बताऊँगा और आप उसको करने की कोशिश करेंगे तो अगर वो हो जाएगा उसके बाद से आपको किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा कि आपका गूगल एडसेंस जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाए। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ई मेल आया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन अप्रूव्ड टू ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वीडियोस पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब वीडियोस अपलोड करते हैं तो इस फॉर्मेट में आपके सामने वीडियो आता है और बहुत सारे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं उनके मैंने मोनेटाइजेशन को ऑन कर दिया है, लेकिन मैं एक छोड़ा हूँ, इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि आप लोगों को बता सकूँ ताकि किस तरीके से आप जो है अपने चैनल के वीडियोज़ को मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे कि एक एक करके वीडियोस को कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो ओवरऑल वीडियोस को भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर ओवरऑल करना होगा तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए मोनेटाइज का ऑप्शन नहीं होगा और सारा इस प्रकार का ऑफ 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 रहेगा तो आपको एक साथ में चाहते हैं कि जितनी भी वीडियोस आपके साथ अपलोड हो उस पर अगर मोनेटाइज लगा दें तो आपको यहां पर जाना है सेलेक्ट करने पर। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर जाना है, यहां पर जो है आपको मोनेटाइजेशन के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे नहीं करता हूँ, मैं आपको देखिए सेलेक्ट करके बताता हूँ कि क्या करना है, ये जो वीडियो है इस पे करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अनलिस्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑफ है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे एक ऑफ और एक ऑन का ऑप्शन आता है तो हमको मोनेटाइजेशन ऑन करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मोनेटाइजेशन ऑन पे। ठीक है, जैसे ही ऑन होता है यहाँ पे शेप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही शेप पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट है इस प्रकार का फॉर्मेट आ गया, मतलब ये हुआ कि आपके वीडियोस जो है वो मोनेटाइज हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हैं। आपका अगर स्टार्टिंग में है तो आप इंडिविजुअली जाकर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से सेलेक्ट कर यहाँ पर मोनेटाइजेशन में जाके आप आसान से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किस तरीके से आप मोनेटाइजेशन को ऑन करते हैं अपने वीडियोस पे। अब मैं चलता हूँ आपको बताता हूँ गूगल एडसेंस में कि CTR क्या होता है और उसको अगर हाई हो जाता है तो आपके चैनल सस्पेंड हो सकता है, यानी कि आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है। तो चलिए मैं चलता हूं गूगल एडसेंस के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं कि ये गूगल एडसेंस अकाउंट है। अगर आपको यहां पे CTR चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है यहां पे रिपोर्ट्स में जाना है। ओके, सो आपको यहां पे क्लिक करना होगा रिपोर्ट्स पे।
जैसे ही रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करते हैं, देखिए कि इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने प्रदर्शित होता है, मतलब इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होता है और यहाँ पर आपको जो है क्लिक्स पे क्लिक्स करना है, ठीक है। क्लिक्स जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखा आपने कि जिस तरीके से जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ गई, एस्टिमेटेड अर्निंग आ गई, इंप्रेशंस आ गए, क्लिक्स आ गई, CTR आ गया, CPC और इंप्रेशंस RPM एंड एक्टिव व्यू लेवल आ गया। मतलब ये हुआ कि आपको सारा डाटा यहाँ पे दे दिया, लेकिन हमें क्या चेक करना है, तो हमें CTR चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो CTR है वो 7.17% है, मतलब कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको कोई भी समस्या नहीं है। समस्या तब होता है जब आपका लगभग 15% जो है आपका CTR चला जाता है, ठीक है। तो 15% कैसे जाता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर आपके वीडियोस पे 100 लोग देखते हैं और 15 लोग उसको क्लिक कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, जैसे कि स्किपेबल ऐड आता है जो उसको हटा देते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो आपका CTR में काउंट होता है। और जब उस प्रकार के केसेस आते हैं तो आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि गूगल एडसेंस अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया जाए। तो इस स्थिति को आप देखें, जो CTR है 7.17% है, मतलब इट्स ओके है। जब ज़्यादा बढ़ने लगे और आपको डर सताने लगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी मैं उपाय बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं चलता हूँ इस वीडियोस पे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वीडियो सेट किया, तो जो भी आपका मैक्सिमम व्यूज आ रहा है, यानी कि जो भी के व्यूज जिस वीडियोस पे ज्यादा आ रहा है उसको आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहां पे क्या करना है, मोनेटाइजेशन पे जाना है, ठीक है। मोनेटाइजेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पे 5 ऑप्शंस आता है। एक डिस्प्ले एड्स आता है, एक ओवरले एड्स आता है, एक स्पॉन्सर्ड कार्ड्स आता है, और एक स्किपेबल एड्स आता है, वीडियो एड्स, एंड एक आता है नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स, ठीक है। तो जो CTR होता है वो बेसिकली ये होता है कि अगर आप 100 वीडियोस कोई व्यू कर रहा है और उस वीडियोस में से 15 वीडियोस के एड्स को वो स्किप कर दिया, तो वो CTR में वैल्यूज उसकी काउंट होती है। और CTR के वैल्यूज काउंट होती है नए नए खास करके चैनल्स पे, जब वो मोनेटाइज होते हैं तो सारे लोग हर वीडियो पे डायरेक्ट ऐड लगा देते हैं, जिसके चलते लगता है उनको कि बहुत सारे वीडियोस पे ऐड आने लगे, जिसको वो स्किप करते हैं। और जब स्किप करते हैं तो आपका जो CTR रेट है वो ज्यादा बढ़ने लगता है। तो उसको काबू में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पे जो स्किपेबल वीडियो एड्स है इसको ऑफ कर देना है, और नॉन स्किपेबल वीडियो जो एड्स है इसको ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने का क्या फायदा होगा, इसको ऑफ करने का फायदा ये होगा कि जो भी आपके वीडियोस एड्स देखेंगे वो ये 3 प्रकार का जो है एड्स आपके वीडियोस में दिखेगा, लेकिन स्किपेबल और नॉन स्किपेबल जो एड्स है वो नहीं दिखेगा। जब ये नहीं दिखेगा तो उस वीडियोस को स्किप नहीं करेंगे, और जब एड्स को स्किप नहीं करेंगे तो आपकी CTR जो वैल्यूज है आपकी गूगल एडसेंस की वो बैलेंस्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है अपने CTR को काबू में पा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप जरूर अपनाइए और आप जो है यहां रिपोर्ट्स में जाकर ये जो CTR आ रहा है इसको यहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो देखा आपने कि जो जो मैंने प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस से आप फॉलो करें उस प्रोसेस को, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने चैनल पे अपने वीडियोस का मोनेटाइजेशन को ऑन करें। प्लस आप जो है CTR हाई ना हो, उसके लिए जो जो मैंने चीज़ें बताई है उसको आप ध्यान रखें, ताकि आपके CTR हाई ना हो और जिसके चलते आपके गूगल एडसेंस अकाउंट जो है डिसेबल होने के, टर्मिनेट होने के चांस ज़्यादा ना बन जाए। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा, तो फिर आपको कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप आसानी से अपने यूट्यूब चैनल को रन कर सकते हैं और गूगल एडसेंस के माध्यम से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।